बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर सीरीज़ के एक और व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। और अभी हम मौजूद हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान के पास। इस जानब है दिल्ली गेट, उससे थोड़ा सा आगे आएँ तो आता है अंदरून में चिट्टा गेट। तो अभी हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं मेरे बैक पर, जिस तरह देख सकते हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जाएँगे जो एक बहुत ही मशहूर और ख़ूबसूरत एक गली है, सूरजन सिंह गली, जो कि इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है। उसको लोगों ने खुद रेनोवेट किया है। जो भी उसकी यानी कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो रिक्वेस्ट है आगे हमारे साथ मौजूद रहिए और सूरजन सिंह गली की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हमने यहाँ से मकामी लोगों से पूछा है तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे है, यानी ये जो चिट्टा गेट है ना, इसे थोड़ा सा बैक पे हटना पड़ेगा। तो वहाँ पे बोर्ड लगा है, तो आपके साथ शेयर करते हैं जो सूरजन सिंह गली की खूबसूरती है। बहुत ज़्यादा यानी कि उस हवाले से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि वो अपनी वीडियो में लाजमी दिखाएँ, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। और जो सुनने में यही आया है कि ये जो गली है इसको लोगों ने खुद मेंटेन किया है। इसकी जो डेकोरेशन और जितना भी यानी काम किया है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत करवाया है। तो ये गली हमें मिल गई है, गली सूरजन सिंह गली। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं और इस गली की जो खूबसूरती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, इस गली का अभी आगाज़ हो चुका है। और इस जानब मौजूद है हवेली अलिफ शाह। पहले इस जानब चलते हैं, फिर बाद में आप दोस्तों के साथ सूरजन सिंह गली की जो खूबसूरती है उसको शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिए। सूरजन सिंह गली का वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे खत्म है, तीन रास्ते जाते हैं। इस जानब रास्ता जाता है और एक उस जानब रास्ता है और ये मेन इधर से एंट्री वाला जो रास्ता है। तो यहाँ पे जो अभी इस वक्त टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे विजिटर मौजूद हैं। हालाँकि ये बिल्कुल तंग गलियाँ हैं, लेकिन लोग जो हैं टूरिस्ट हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और स्पेशली इस खूबसूरत गली को इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, और एक और ये गली है। बाकी मेन जो गली है वो पीछे थोड़ी सी लेडीज़ खड़ी हैं वहाँ पे, मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाता हूँ। लेकिन ये देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और गलबर यहाँ पे एक बुज़ुर्ग का मज़ार है। लेकिन अभी मैं आपको वापस सूरजन सिंह गली में लेकर चलता हूँ, आगे मेरे साथ मौजूद रहिए। तो ये देख लीजिए, ये है जी सूरजन सिंह गली की मेन खूबसूरती, जिसको लोगों ने खुद रेनोवेट किया है। इस खूबसूरत गली की रेनोवेशन का आगाज 2002 में हुआ, जो कि 2012 में मुकम्मल हुआ। और इस गली के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर सहूलत बेहतरीन अंदाज में मयसर है। ये जो सूरजन सिंह
तो अभी यहाँ पे रश थोड़ा सा कम हो गया है, तो इस तारीखी और सकाफ़ती कमरे के अंदर चलते हैं और कमरे का जो अहवाल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। देख लीजिए किस तरह खूबसूरती से इसको मेंटेन किया गया है। और सुरजन सिंह गली को 2014 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का अवार्ड दिया गया है। ये देख लीजिए यहाँ पे अवार्ड मेंशन किया गया है। एक आपने बोर्ड देखा तो ये जो गली है महकमा औकाफ के अंडर है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट अभी भी मौजूद हैं और हर डेली यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद आती है। अभी ये कमरे में मौजूद हैं यहाँ पे, यानी ये महकमा औकाफ के अंडर है। इस तरह के कुछ सीन रहे। तो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने यहाँ की इस गली को खूबसूरती से सजाया हुआ है। स्पेशली रात के वक्त बहुत ही प्यारे यहाँ के यहाँ पे सीन होते हैं लाइटिंग वगैरह का या पौधे वगैरह जो भी लगाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट्स में चलते रहकर रहा जरूर कीजिए। और जो लास्ट में हमेशा की तरह मतबाना गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए। चैनल का नाम है दोस्त। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में किसी बेहतर वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए और गांव में दूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।